नोटबुक इस्तेमाल कर सकती हूँ। कोने पर टेप की एक स्ट्रिप लगाएंगे। ये रहा चॉकबोर्ड पेंट, अब पेंट से पूरी नोटबुक कवर कर देंगे। ये बहुत रिलैक्सिंग है। बस हो ही गया, अब इसे सूखने देंगे। अब टेप हटा सकते हैं। ध्यान से, पेंट खराब नहीं करना है। अब मुझे चॉकबोर्ड नहीं चाहिए, मैं नोटबुक इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब प्रॉब्लम नोटबुक कवर पर लिखी जाएगी। बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब हमें आंसर चाहिए। ये क्या हो रहा है? तो क्लास, ये कौन आंसर करेगा? तुम। पर ठीक है। और जाओ, आराम से रहो। अब तुम इतने स्मार्ट नहीं रहे। ठीक है, मैं ये जानता हूँ। ये कैसा रहेगा? गलत है, जाकर बैठो। तुम क्या सोच रहे हो? प्रैंक्स में कम और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो। मैं इसे हटा देती हूँ। मैडिसन। मैं? ये तो बहुत बुरा है। ठीक है क्लास, ध्यान दो, ये टेस्ट में आएगा। हाँ, यही एटीट्यूड है मेडिसिन। हाँ, क्या उसने कुछ कहा? मैं इस गेम में बहुत ध्यान लगा रही हूँ। वाओ, मेडिसिन बहुत अच्छा है, मैंने ऐसे बहुत देखे हैं। अब तो तुम गई। उसे हराना आसान नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूँगी। तो क्या कोई इस क्वेश्चन का आंसर करेगा? क्लास, बढ़िया लेसन है सर। शुक्रिया, इसकी उम्मीद नहीं थी। वुहू, मुझे ये गेम पसंद है। चलो भी, मैं उसे जीतने नहीं दे सकती। यहाँ कुछ सही नहीं है। अच्छी बात है, मैं तैयारी के साथ आया हूँ। ये बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है। अच्छी बात है, वो अभी भी बिजी है। खेलते रहो। जैसा मैंने सोचा था। रुको, हाँ मैं जीत गई। नहीं, मैं जीतने वाली थी। ओह, इसने तो निशान छोड़ दिया। ओह, तो बटन यहाँ था। मुझे ये ठीक करना होगा और गेम बंद करनी होगी। लेकिन कैसे? ये थोड़ा मुश्किल है। नहीं, ये काम नहीं करेगा। ओह, ये अच्छा दिख रहा है। और इससे मुझे अच्छा आइडिया आया। मैं की पर छोटा सा बर्गर बनाने के लिए मॉडलिंग क्ले का इस्तेमाल करूँगी। थोड़ी चीज भी चाहिए होगी। फिर मैं इसके ऊपर बन रखूंगी। अब मैं इसे कीबोर्ड पर लगाऊंगी। ये बढ़िया है। हाँ, ये काम किया। जल्दी ऐसा बर्ताव करो जैसे कुछ ना हुआ हो। क्या क्या हुआ? रुको, गेम वो वहाँ थी। गेम, क्या आप ठीक हैं? हम अपना क्लास वर्क कर रहे थे। लगता है ये मेरे दिमाग का वहम था। माफ करना लड़कियों, करती रहो। वो सच में बुद्धू बन गए। चलो खेलें। ये लिपस्टिक देखो गर्ल्स। हे भगवान, तुम कितने लकी हो। हाँ मैं जानती हूँ, ये सबसे अच्छी है। मेरे लिप्स बहुत अच्छे दिखने वाले हैं। गर्ल्स, तुम कहाँ चली गई? क्या सच में? गहरी सांस लो। ओप्स, ये कलर आप पर जचता है। अच्छी कोशिश थी, तुम्हें रूल्स पता है ना, मेकअप नहीं चलेगा। पर हम बात कर लेते हैं। वो ना ही कहेंगी। जरा देखूं कैसे लग रही हूँ। ओह नहीं, चेहरे पर कुछ नहीं है। पर मैं इसके लिए तैयार हूँ। मेरे पास मेकअप इमरजेंसी के लिए सीक्रेट सामान है। ये मुझे दो, मेकअप नहीं चलेगा। कितनी गलत बात है, बहुत बुरा हुआ। अगर मैं अच्छी नहीं देख सकती तो क्या फायदा हुआ? जिंदगी बिना मेकअप के बहुत खाली खाली है। जरा रुको, मैं समझ गई। मैं ये करेक्शन फ्लूइड की बॉटल इस्तेमाल कर सकती हूँ। मुझे यही तो चाहिए। पहले इसमें से लिक्विड निकालेंगे और इसे बोल में डाल लेंगे। इसे बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब बॉटल को साफ कर लेंगे। और ये है मेरा फेवरेट लिप ग्लॉस। इसे ट्यूब से निकालने के लिए पाइपेट इस्तेमाल करें। इससे ये बहुत आसानी से निकल जाएगा और गंद भी नहीं मचेगा। अब इसे करेक्शन फ्लूइड बॉटल में डालेंगे। इसे पूरा अच्छे से भरेंगे। इतना काफी है। अब ढक्कन बदल देंगे। मैं कितनी स्मार्ट हूँ और मेरे लिप्स बहुत प्यारे दिखेंगे। ओह हाँ, ये काफी बेहतर है। मैंने मस कैसे कर दिया? हाँ, तुम ये क्या कर रही हो? वाओ, मुझे चाहिए। ये लो। ठीक है गर्ल्स, लाइन बना लो। शुक्रिया। इसे मुझे दो, मुझे दो। तुम सबसे अच्छी हो।
वो हुआ, तुम्हारे साथ काम करकर अच्छा लगा। मॉर्निंग क्लास। वो नहीं, मजा गया, किसी ने देखा तो नहीं मेरे टेस्ट पेपर्स। ये क्यों हुआ, शर्म की बात है, जरा इन्हें देखो, गड़बड़ हो गई। कितनी बुरी दुनिया है। ओह, मैं क्लिप्स इस्तेमाल कर सकता हूँ, मुझे यही तो चाहिए। पेपर्स को साथ में जोड़ देंगे, अब इस पर लिखेंगे, इससे पता चल जाएगा कि कौन से पेपर किस लिए है। काश मैंने पहले सोच लिया होता, ये तो कमाल है। टेस्ट टाइम। कौन हंस रहा था? हे, देखो तो क्या कर रहे हो। येलो मेडिसिन। ओप्स, पर मैं ठीक कर सकता हूँ इस जबरदस्त क्लिप से। इसे मैं तुम्हारे डेस्क पर लगा दूंगा, थोड़े और चाहिए। अब इन क्लिप्स के बीच में पेंस लगाएंगे, ये देखो। वो बढ़िया चीज है, ये तो बहुत तेज है, खुद ले लो। लियो, थैंक्स। अब ठीक है, अब जरा मैं ग्रेड दे दूं। इसे ए प्लस मिलना चाहिए और ये वाला फेल हुआ। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कुछ नहीं आता। इतना सारा काम, देखो कितना लेट हो गया। जितनी जल्दी हो सके मुझे इसे खत्म करना होगा। बस थोड़े ग्रेड्स बाकी हैं। हे भगवान, कितना भयानक सपना था। ओह नहीं, मेरे पूरे माथे पर इंक लग गई। ओह, अब मुझे इंक साफ करनी होगी। उम्मीद है इस इरेजर से मिट जाए। एक सेकंड रुको, मैं इस रिंग का कुछ कर सकती हूँ। बस थोड़ी सी हॉट ग्लू इस रिंग पर डालेंगे और इरेजर लगा देंगे। अब इस पर एक लेटर बना देते हैं, एफ भी सही रहेगा। लो, मैंने दोनों हाथों पर एक एक बना लिया है, एक पासिंग वाला और एक ट्रेलिंग वाला। कितने बढ़िया लग रहे हैं। अब दोबारा ग्रेडिंग देना शुरू करते हैं। मैं अब इनके आंसर चेक कर लेती हूँ। इसे ए मिलेगा और ये एफ, इस वाले को ए, ये वाला देखते हैं। अरे वाह, एक और ए, बस ये आखिरी था। हाँ, देखो कितनी जल्दी हो गया और मैंने कितना समय बचा लिया। चलो घर चले, मैं बोर हो रही हूँ, मुझे छक्की लेनी होगी। और रुको, मैं क्लास में हूँ, टाइम खत्म हुआ, लाओ ये पेपर मुझे दो। ओ, मेरा पूरा नहीं हुआ, मैं इसमें फेल हो जाऊंगा। तो एक और एफ मिलेगा। हाँ हाँ, जो भी है, चलो जल्दी करो। बढ़िया, अब मुझे इन्हें ग्रेड्स देने हैं। आंखें भी मुश्किल से खुल रही है, बहुत हुआ, ये ज्यादा मजेदार है। ओ, बहुत भूख लगी है। अरे हाँ, हाय, एक ऑर्डर कर सकती हूँ। वो कितनी जल्दी आ गया। मजा आ गया, और ये मेरा है। और चाहिए, मुझे और चाहिए। हे भगवान, बहुत ही बढ़िया है, मैं कभी भी खा सकती हूँ। कितना ग्रीसी और मेसी है, पर मुझे पसंद है। अगर मजा आ गया। ये ठीक नहीं हुआ, मुझे इसे साफ करना होगा, शायद वो ध्यान ना दे। ओह, मैं जानती हूँ क्या करना है। पहले नोटबुक को इस तरह काटेंगे। अब चाहिए ग्लू गन। नोटबुक पर ग्लू लगाएंगे और इसके ऊपर ग्रीन पेंट लगाएंगे। इसे अच्छे से लगाएं ताकि क्रीसेस ना आए। अब इसके ऊपर व्हाइट और रेड पेंट लगाएंगे। अब ये पूरा नहीं हुआ, इसके ऊपर ब्लैक पेंट के छोटे पीसेस लगाएंगे, एक आर्क में लगाते जाएंगे। अच्छा लग रहा है, ये तैयार है। एक बोरिंग नोटबुक से ज्यादा बेहतर ये वाटरमेलन है। क्या बर्गर्स की खुशबू आ रही है ना। तो क्लास, जरा यहाँ ध्यान दो, तुम्हारे ग्रेड्स आ चुके हैं। बकवास एलेक्स, ये लो। ये मेरी नोटबुक नहीं है, क्या चल रहा है। ये हमारा सीक्रेट है, रुको। hey, मुझे ये चलेगा, शुक्रिया, ये तो कमाल का है। तो क्लास, हे भगवान, वो इन्हें तो देखो। हाँ, ओ हाय मिंडी, तुम्हारे शूज बहुत क्यूट हैं। बताओ ये कहाँ से लाई हो, मैं मदद कर दूँ। वो मैं भूल ही गई थी, तुम्हें मेरे शूज कैसे लगे। वो बहुत ही खूबसूरत है, मुझे जलन हो रही है। हाँ, तुम बहुत अच्छी हो, ये मेरे टॉप के साथ जा रहे हैं। हे गर्ल्स, ये शेड लाजवाब है। क्या हुआ,
क्या ये तुम्हारे शूज हैं? बहुत ही बेकार, शर्म नहीं आ रही? मैं तो ये कभी नहीं पहनूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे तो पसंद है, मेरे कपड़ों के साथ भी अच्छे लग रहे हैं। जो भी हो, ये क्या था? शायद मैंने किसी चीज पर पैर रख दिया। ओह ये तो पेंसिल है, मैं ये इस्तेमाल नहीं कर सकती, या कर सकती हूँ? मैं दिखाती हूँ। ये रही पेंसिल्स, इनसे मेरे शूज अपग्रेड हो सकते हैं। पेंसिल्स पर ग्लू लगाएंगे, पहले एक तरफ, अब इसे शू की हील पर लगा देंगे। बाकी पेंसिल्स के साथ भी ऐसा ही करेंगे, पूरी हील कवर कर लेंगे और जैसे जैसे हील बढ़ती जाएगी बड़ी पेंसिल्स लगाते जाएंगे। अब ये आखिरी बाकी है। वाह कितना कलरफुल है। अब शू को भी कलर करते हैं और दूसरे वाले को भी। नए कौन खरीदेगा? अब मैं इसे पहन कर देखती हूँ। ये देखो, मैं बाद में शॉपिंग के लिए जाऊंगी, तुम भी चलो। हे भगवान, ये शूज तो देखो, तुम्हें कैसा लगा गर्ल्स? अच्छी लग रही हो ना? मुंह बंद कर लो, मक्खी चली जाएगी। वाह हाँ, हम टाइम पर क्लास में आ गए। हे, तुम दोनों बातें बंद करो, एग्जाम का समय है। हाँ एग्जाम, शुक्र है हमने तैयारी कर ली थी। हाँ और मेरे पास भी अपनी चीट शीट है, ये वाला टेस्ट तो बहुत अच्छा जाएगा। है, तुम दोनों हंस क्यों रही हो? दाल में कुछ काला है। यहाँ स्कैन कर देखते हैं चीटिंग तो नहीं चल रही। हाँ जैसा मैंने सोचा था, इनके पास चीट शीट है। अलर्ट, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। है तुम्हें लगा तुम चीटिंग कर पाओगे? खुलेआम इतनी सारी चीट शीट्स, तुम्हें लगा था तुम पकड़ी नहीं जाओगी, पर मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और तुम्हें भी, मैं तुम्हारे पास भी आ रहा हूँ। तुम्हारे पास ये टम्बलर क्यों है? कोल्ड कॉफी है। है एक सेकंड रुको, इसके नीचे क्या छिपा रखा है? इतनी छोटी हैंडराइटिंग, क्या बात है। पर है तो चीटिंग ही, तुम नहीं बच पाओगी। नहीं मैं इसमें फेल नहीं होना चाहती। एक सेकंड रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मैं तो भूल ही गई थी, मेरी उंगलियों के बीच में चीट शीट है। अरे यार अब मैं क्या करूं? हे मेरे शू पर क्या है? एओ ये गम है। एक सेकंड रुको, मैं अपने शू के नीचे चीट शीट चिपका सकती हूँ। हो गया, एकदम सिक्योर है। अब मुझे सारे आंसर्स यहीं से मिल जाएंगे। यहाँ क्या हो रहा है? अब कुछ नहीं, मैं तो बस हवा ले रही हूँ और वो योगा कर रही है। ठीक है, लगता है सब ठीक है, काम करते रहो। और इसके साथ टेस्ट एकदम बढ़िया निकला। बढ़िया, कोई भी यहाँ नहीं है, ये जल्दी से कुछ खाने का समय है। ओह कैंडी मुझे दो। मेरा पर्स था। ओह वो सब ले गए, मुझे कुछ नहीं मिला। ये मुझे ही चाहिए, मेरे पास थोड़ी गम है, मैं इसी का इंतजार कर रही थी। क्या ये गम है? नहीं रुको, ये मेरा है। ऐसा ही क्यों होता है? ये बहुत बुरा है। ठीक है कुछ नहीं हुआ है, किसी को नहीं पता चलेगा, मैं जल्दी करूंगी। मुझे पोटैटो चिप्स की खुशबू आ रही है, मुझे ये लेना होगा। हाँ मुझे बस थोड़ा अच्छा और शांत होना होगा। ये कुछ नहीं है, चलो चलो चलो। ये क्या? हे इधर वापस आओ। ओह ये खाली है। रुको, मेरे ख्याल से मेरे पास एक आइडिया है। मैं ट्यूब को आधा काटूंगी, फिर मैं इसे अच्छे पेपर से कवर करूंगी। ये अच्छा दिख रहा है, मैं इसे अपनी पसंदीदा कैंडी से आधी भरूंगी। फिर मैं इसके अंदर प्लास्टिक लिड रखूंगी, फिर इसके ऊपर अपनी पेंसिल्स रखूंगी। ये बिल्कुल पेंसिल केस लगेगा, पर इसके अंदर स्वादिष्ट सीक्रेट है। अब मेरी बारी, अगर मैं पेपर को ऊपर करूंगी तो मैं कैंडीज ले पाऊंगी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। ओह ये बस पेंसिल्स हैं, मुझे लगा तुम्हारे पास कैंडी है। पकड़ी जाने वाली थी, पर ये काम किया। लूना के पास आंसर्स है, शुक्र है मुझे ये आता है, शुक्र है लूना को सब आता है। बस थोड़ी मदद चाहिए, जल्दी करना होगा।
अरे नहीं, वो चीटिंग कर रही है, बहुत तेज है। शेरो, हटो। पर ये गलत बात है। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा स्नैक खा लेती हूँ, मुझे इसकी जरूरत है। चॉकलेट, क्या ये कैंडी है? बहुत अच्छी लग रही है, मुझे भूख लगी है। ये बहुत टेस्टी है। हे शेरो, मुझे एक पीस मिल सकता है? खैर खैर खैर, नहीं, बहुत हुआ। तुम्हें लगा मैं डर गई? आ जाओ, अब बस एक ही चारा है। किसी ने खिड़की खोली? एक कैंडी बार और जो भी है ये लो, मुझे आंसर्स दो। और ठीक है, अब खुश हो? तुम्हारे साथ काम करकर अच्छा लगा। थैंक्स बेस्टी। थैंक्स। मुझे पढ़ना नहीं पसंद, इससे देखना आसान है। यहाँ क्या चल रहा है? कितनी गलत बात है। ये मुझे दो। ओ, और तुम डिटेंशन के लिए जाओ, दोनों के दोनों। ये क्या करती है? बुद्धू बच्चे, क्लास में खाना ऐसे लेकर आते हैं। यम्मी, मुझे अपना काम पसंद है। ये रिकी है, मुझे पढ़ लेना चाहिए था। मैडिसन, मैडिसन। हाय, हाय डेविड। हे भगवान, ये वही है। ये तुम्हारे लिए है। तुम कितने रोमांटिक हो। मैं अब हमारी जिंदगी साथ में देखना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। हे चाम, ओ तुम्हारी मूछें तो मेरे जैसी हैं। पूछेगो। जिंदगी एकदम परफेक्ट है। हे यूहू, तुम यही हो ना? मुझे पेन मिल सकता है? ओ हाँ बिल्कुल, ये लो। रुको, मैं खाया हुआ पेन डेविड को नहीं दे सकती, मैं दूसरा ढूंढती हूँ। वाह, मुझे पेन खाना बंद करना होगा। हाय डेविड। हे अमा, तुम मेरा पेन ले सकते हो? बस एक मिनट रुको, ठीक है? विश्वास नहीं होता, ये अमा क्या कर रही है? मुझे जल्दी करना होगा। ये अच्छा है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मेरा पेन यही कहीं होना चाहिए। यही है। ओह, मैं नेल पॉलिश इस्तेमाल कर सकती हूँ, शायद ये काम कर जाए। पहले पेन को अलग कर लेंगे, अब निब काटेंगे, निब के आखिर में थोड़ी ग्लू लगाएंगे। अब हमें नेल पॉलिश चाहिए, निब को बॉटल में डालेंगे और इस पर ग्लू लगा देंगे। इसे सेट होने देंगे और पेन के टॉप से रिप्लेस कर देंगे, इससे काम चलेगा। अब ये ग्लिटर पेन बन गया। ओह, कितना फैंसी लग रहा है। अब इसका ढक्कन लगा देंगे। ये एक बोरिंग पेन से काफी बेहतर है। ये लो। हे भगवान, उसने मुझे छुआ। अब मैं अपना काम कर सकता हूँ। आज का दिन सबसे अच्छा है। कितना बढ़िया पेन है, थैंक्स। यस, काम किया। तुम बहुत प्यारे हो, मतलब तुम्हारी राइटिंग बहुत प्यारी है। चलो बैग, मेरे साथ साथ आओ। मैंने अपना सामान ऐसे कैसे गिरा दिया? ये क्या? हे भगवान, ये बैग उड़ कैसे रहा है? क्या बात है बैग, तुमने बहुत अच्छा काम किया। चलो स्नैक खाएं। मुझे पसंद नहीं आई। आओ, ये क्या हुआ? शायद ये एप्पल खाकर मेरी भूख मिट जाए। इसका स्वाद अच्छा नहीं है। आओ, दोबारा क्या कर रही हो? मैं यही बैठी हूँ, मुझे प्यास लगी है। अरे वाह, मैं सारा पानी पी गई। इस बारिश ने मुझ पर कचरा फेंका है। वाओ, तुम्हारा बाग तो बहुत कूल है, मेरे बाग से भी ज्यादा। हे, मुझे दे दो, हम इस बाग के साथ एक सेल्फी लें। ओ हाँ बिल्कुल, चलो लेते हैं। वाओ, इस बच्चे के पास तो बहुत बढ़िया बाग है,
मुझे भी इन फोटोज और सेल्फीज में आना है। स्कूल के लिए परफेक्ट बैग है मिस, बहुत अच्छे। पता नहीं ये क्या हो रहा है। एक सेकंड रुको, इस प्लास्टिक बॉटल से मुझे बहुत अच्छा आइडिया आया। चलो अपनी क्राफ्टिंग स्किल्स दिखाएं। ये रहा एक जिपर और एक प्लास्टिक बॉटल। इसे इस तरह वाटर बॉटल पर लपेट देंगे, जिपर को खोलेंगे, अब बॉटल को काट देंगे। टडा, इस वाटर बॉटल से एक छोटा सा केस बन गया। इसे सिल्वर पेंट कर देंगे और थोड़े कूल फ्लेम्स बना देते हैं। ये एक रॉकेट है। अब इसे खोलेंगे और टिकाने के लिए इसमें पेपर डाल देंगे। अब इसमें पेन्स और पेंसिल्स रखेंगे और मेरे स्नैक्स भी। थोड़े कैंडी बार्स चलेंगे। इसे जिप से बंद कर देंगे और ये बन गया। अब मैं सबको अपने रॉकेट बूस्टर्स दिखाती हूँ। मेरा बैकपैक ज्यादा कूल है। और हाँ, जब मन चाहे तब स्नैक खा सकती हूँ। मैं जैसा अपने रॉकेट बूस्टर से चाहती थी मुझे वैसा ही मिला। मुझे ये तो बहुत ही ज्यादा पसंद। वाओ! माफ करना, मुझे जाना होगा। हे, मैं तुम्हारा बैकपैक देख सकता हूँ? क्या ये रॉकेट फ्लेम्स है? वाह! अरे नहीं, तुम स्नैक शेयर करोगी ना? बहुत बढ़िया। अरे यार, मुझे इतनी भी अटेंशन नहीं चाहिए थी। बहुत बुरा है। नहीं नहीं नहीं, बहुत हुआ। मेरे रास्ते से हटो। ये क्या हुआ? फिर मिलेंगे स्कूल। अरे वाह, वो कहाँ चली गई? स्पेस में? वो इससे अच्छा बैकपैक मैंने कभी नहीं देखा। मेरा वाला भी ये कर सकता है। बैकपैक, मुझे भी स्पेस में ले जाओ। यहाँ पर कितनी शांति है, मुझे बहुत पसंद आया। चलो पार्टी करें। ये बहुत मजेदार है, मुझे पार्टी करना पसंद है। ओह, मैं दोबारा पार्टी नहीं करूंगी। पानी तो अच्छा है पर मुझे नींद आ रही है। बेल इतनी तेज क्यों बजती है? चलो चलेंगे। क्या हमें जाना होगा? ये पार्टी कर कर आई है, वो भी आज के दिन। आज हमारा एग्जाम है। तुम पढ़ कर आए हो ना? आज का एग्जाम मुश्किल है। गुड लक। शुक्रिया, मुझे इसी की जरूरत थी। पता नहीं मैं कर क्या रही हूँ। ओह रुको, मैं चीट कर सकती हूँ। टेक्नोलॉजी बढ़िया चीज है। ओह नहीं टीचर, ये बहुत आसान है। क्लास में फोन नहीं चलेंगे। ये मुझे दो, मैं तुम्हें देख रही हूँ। मुझे अपना फोन छिपाना होगा। यहाँ गर्मी हो रही है ना? जरा रुको, मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है। मैं ये टेप इस्तेमाल कर सकती हूँ। टेप की स्ट्रिप्स इस जीन्स पर लगाएंगे, एक फोन पर भी, और एक टेप के पीस पर फोन चिपका देंगे। अब इस डेनिम के पीस से इसे कवर कर देंगे। जब टीचर पास होगी तो मैं फोन को छिपा लूंगी। ये परफेक्ट है। रुको, ओह मैं फोन छिपा लेती हूँ। आराम से बैठो। यहाँ क्या हो रहा है? बढ़िया टेस्ट है, सबसे अच्छा। ठीक है, उन्हें पता नहीं चला और मेरा काम हो गया। वाओ, बहुत जल्दी आ गई। स्कर्ट अच्छी लग रही है। हाँ, तुमने क्या कहा? ये कैसे हुआ? शर्म की बात है, मैं किसी को ये देखने नहीं दे सकती। तो ठीक है क्लास, जरा ध्यान दो। आज हमारा एक टेस्ट है। ना बातें होंगी ना चीटिंग। मैं देख रही हूँ, तुम शुरू कर लो। सब ठीक रहेगा, मैं पेन निकाल लेती हूँ। ओ नहीं, पेंसिल केस तो खुल ही नहीं रहा। चलो भी खुल जाओ, ये ठीक नहीं हुआ। शायद जेनिफर मदद करे। क्या तुम्हारे पास और पेन है? प्लीज दे दो। नहीं, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। वो ठीक है। मिंडी, मैंने क्या कहा? माफ कर दो मिस, अब मैं क्या करूँ? मेरे बहुत बड़े बड़े सपने थे और फिर मुझे एफ मिल गया। अब मुझे देखो। आज भी बहुत पैसे खर्च लिए। ओह, जरा इस गरीब लड़की को देखो। तुम्हारे पास चेंज है? प्लीज। ठीक है, देखने दो, इतने काफी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे एफ नहीं मिलेगा। जरा रुको, मैं पेपर क्लिप इस्तेमाल कर सकती हूँ। पेपर क्लिप को टेबल पर लगा देंगे। अब ग्लू गन चाहिए। पेपर क्लिप में ग्लू लगा देंगे। मैंने ग्लिटर ग्लू लिया है क्योंकि क्यूट लगती है। इस सेक्शन को फिल कर देंगे और सेट होने देंगे। पेपर क्लिप के कोने को जिपर पर लगा देंगे। हाँ, ये खुल गया। फिर शांति मिली।
रुको, क्या तुम्हें मालूम था आज एग्जाम है? ये डरावना लड़का कौन है? मेरे पास सब है, मैथ, इंग्लिश, मल्टीपल चॉइस। मैं आ रही हूँ, पहले मुझे पेमेंट दो। हाँ बिल्कुल, देखते हैं यहाँ क्या है। लगता है इतना काफी होगा। जी हाँ, फैशनेबल। और ये रहे सारे के सारे आंसर्स। वाह, ये तो शानदार है। थैंक्स, एक और कस्टमर खुश हुआ। हाय, तुम मेरी मदद कर सकते हो? इस स्टाइल के साथ मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, बहुत मजा आएगा। ये मार्केट का सबसे बढ़िया इरेजर है, पढ़ने में मजा आएगा। मुझे भी आंसर्स खरीदने होंगे। यहाँ कैंडी जरूर होगी, इससे कुछ नहीं आएगा। एक्सक्यूज मी, मुझे इसके बदले क्या मिलेगा? ये कैसा मजाक है, हटो, मैं यहाँ से निंजा रोल कर जाऊंगा। चलकर ही चले जाते, बहुत बढ़िया, पर अब मैं क्या करूँ? रुको, इससे मुझे एक आइडिया आया, ट्राई करते हैं। मैं स्क्रीन पर केस लगा लेती हूँ, अब मैं आंसर्स को स्क्रॉल कर सकती हूँ और अब मैं तैयार हूँ। यहाँ कोई चीटिंग नहीं चलेगी, मेरी क्लास में तो बिल्कुल नहीं। मुझे इसे छिपा लेना चाहिए, देखते हैं चीट स्कैनर क्या कहता है। ये अच्छा नहीं होगा। मैं जानती थी चीटिंग, इरेजर के साथ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे ये हर एग्जाम में करना पड़ता है। और यहाँ क्या चल रहा है? चीट स्कैनर से कोई नहीं बच सकता, तुम अपनी हैट में आंसर्स छिपा रही हो। ओह, पकड़ी गई। काफी बढ़िया जा रहा है। टीचर आ रही है। मैं जानती थी यहाँ भी चीटिंग ही हो रही होगी, बस बीप ना हो। हाँ, कि पक्का खराब हो गई है। मैं चीटिंग नहीं कर रही मिस, तुम तो अच्छी बच्ची हो। हार मानती हूँ। मैं आर्ट क्लास के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है क्लास, मैं चाहती हूँ आज तुम एक कैट ड्रॉ करो। देखो इसका चेहरा कितना प्यारा है, शुरू करो। ओह, ये क्विकी है। ये रही इसकी पूंछ। अरे नहीं, अच्छा नहीं बना, पूरा हुआ थोड़ी जल्दी में बनाया है तो ज्यादा अच्छा नहीं बन पाया। क्या, ये कैसे हो सकता है? आज का दिन सबसे बुरा है, ये मुझे दो। ओह, पर मुझे खुशी हुई। एक आइडिया है, शायद ये काम आए। अगर पेन के ऊपर रबर बैंड बांधी जाए और दूसरी तरफ भी ऐसा ही किया जाए तो मैं इस कैट को अपनी नोटबुक पर ट्रेस कर सकती हूँ। ये काम कर रहा है, जब तक इन लाइंस को फॉलो किया जाए ये बहुत अच्छी कॉपी बनेगी। वाह, अच्छा लग रहा है, परफेक्ट। मुझे ये अच्छा लगा शेरो, शुक्रिया। मैं हूँ ही कमाल, एक बी, हमेशा की तरह कमाल कर दिया लूनो, ए प्लस, ऐसे ही करती रहो। शुक्रिया। ओ नहीं, अभी भी प्रिंट हो रहा है, रुको। क्या, यहाँ कुछ नहीं है। मुझे आर्ट क्लास नहीं पसंद। ये मेरे क्रश के लिए मेरा प्यार है, उम्मीद है उसे पसंद आए। तो ये लो। कैसे हो डेविड? बढ़िया, इसने मुझे क्या लिखा? हाँ, मैं भी कुछ करना चाहूंगा। तुम ही मेरा प्यार हो। देखते हैं। गो, मेरी बुक्स। माफ करना, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। कितना सॉफ्ट है। वाह। मेरी बुक्स। हाँ तो, हाँ, थैंक यू। लगता है मुझे प्यार हो गया। रुको, मैं जरा उसे देख लूं। हाँ, ये लड़का मेरा कुछ तो लगता है। मैं यही लिखता हूँ, मैं उसे याद दिलाऊंगा जब हमने पहली बार एक दूसरे को देखा था। बस बन ही गया, बढ़िया। वाह, मुझे याद है, तुम कितने प्यारे हो। लव यू बेबी। आर्ट प्रोजेक्ट के लिए तैयारी करना भी जरूरी है। सब आ गया, चुप। अब इसे एक आर्ट में बदलें।
पहला स्ट्रोक हमेशा अच्छा लगता है। थोड़ा सा ब्लू यहाँ करेंगे, काफी बढ़िया लग रहा है। या फिर नहीं, ये क्या बकवास है। नहीं शुक्र है, मेरे पास और पेपर है। ओह स्मूथ, ये तो पहले वाले से भी बुरा है। ओह चलो अब फोकस करो। ये क्या मजाक है, मैं फ्लावर नहीं बना पा रहा। ठीक है शांत रहो, गहरी सांस लो, मैं कर सकता हूँ, मैं कर दिखाऊंगा। तो चलो आराम से आराम से। अच्छू हाँ, ये तो बुरा हुआ। एक मिनट रुको, कितनी बढ़िया शेप है। मैं इसका कुछ कर सकता हूँ, पेंट ब्रश को अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करने से कुछ अलग ही डिजाइन बन सकता है। और हम बनाएंगे पेटल्स। जब ये पूरा बन जाए तो ग्रीन कलर से लीव्स बनाएं। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, इन्हें थोड़ा लंबा बनाना है, इन्हें साथ में भी जोड़ सकते हैं, इससे अच्छे से फिल हो जाएगा। मैं जानता था मैं ये कर सकता हूँ। वाओ, तुमने खुद बनाया है। तुम देखो ना एनी, मेरे पास करने के लिए और भी कुछ है, और इस बार मैं एक अलग अप्रोच इस्तेमाल करूंगा, पर हमारा थीम वही रहेगा। देखा, इन स्ट्रोक्स के साथ लीव्स बिल्कुल असली लग रही हैं। इन्हें आराम से बनाएं। आप ग्रास भी बना सकते हैं, देखें। अगला हिस्सा थोड़ा सा मुश्किल होगा, इस तरह के पॉपी पेंट इस्तेमाल करेंगे ताकि मजेदार टेक्सचर्स बन सके एक बलून के साथ। कितना सैटिस्फाइंग था ना। अब इसे स्टैम्प की तरह इस्तेमाल करें और आपको मिलेंगे मजेदार और एकदम अनोखे फूल, ये मत भूल जाना। कूल है ना, शानदार। तुम्हें कैसा लगा डेविड, तुमने कैसे बनाया? मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट ये है। ओह, ये पिक्चर कितनी अच्छी है, इसे फ्रेम कर लेना चाहिए। और यही क्यों रुकना, मुझे इंस्पिरेशन चाहिए। ठीक है, तो तुमने क्या कहा? ओह सुजन, तुम बहुत बुरी हो। समझ नहीं आ रहा। Excuse me, मेरा पेपर। मेरी गलती है। Oops. देखो आपने क्या किया, अब ये खराब हो गया। Hey, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं? कभी कुछ ऐसा देखा है जो गलती से अच्छा बन जाए? Wow. मैं? हाँ, अलग अलग साइज के भी कर सकते हैं। कमाल है, तो ठीक है। यहाँ पर कितने फिट आ जाएंगे? जितने ज्यादा तुम चाहो। बहुत मजा आ रहा है। तुम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, बस वो सर्कुलर होना चाहिए। क्या हमने कर लिया, कितना कूल लग रहा है ना। क्या बात है, मेरा प्यारा आर्टिस्ट। बहुत बोर हो रही हूँ, ये कोई मजाक है? स्नैक टाइम। चलो इसे और दिलचस्प बनाएं। एलियो, ये आ रही है, पकड़ लिया। हाँ मैं जानती हूँ, ये बहुत बढ़िया था, तुम ये कर सकते हो। अरे यार, ये तो मैं आंखें बंद कर सकता हूँ। ये देखो, अब तुम हैरान हो जाओगी। ओह मेरी आंख। ओह तुम क्या कह रहे थे, प्रैक्टिस करते रहो, हो ही जाएगा। मैं चाहती हूँ तुम रेनबो बनाओ, और अच्छा होना चाहिए। मुझे रेनबो बहुत पसंद है, मुझे कलर्स पसंद नहीं है। अब हंसो ना, मैं जल्दी से शुरू करता हूँ। ये कुछ जादुई है, तुम क्या कर रहे हो, कैसा नर्ड है।
एनी, किसका इंतजार कर रही हो? शुरू करो। हाँ ठीक है, पर मुझे सिर्फ ब्लैक पसंद है। चलो जल्दी निपटाएं। अगर आपको रेनबो चाहिए तो मैं बना देती हूँ, वो सबसे अच्छा रेनबो होगा। मैंने बना लिया। मैं इसकी खूबसूरती दर्शाना चाहता था, आपको पसंद आया? हमारा बैंगो मिल चुका है। कैसा चल रहा है एनी? टडाओ। कोई बात नहीं, आप तालियां बजा सकती हैं। तुम्हें पता है ना रेनबो कैसे दिखता है? ओह, कैसी बकवास क्लास है, मुझे रेनबो से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सेकंड रुको, ये पेंस मुझे दो, मैं इन्हें रेनबो के ऑर्डर में अरेंज करूंगी। अब ग्लू गन चाहिए, पेंस को साथ में जोड़ देंगे। अब ग्लू के सेट होने का इंतजार करेंगे। चलो अब ड्रॉ करें। पेंस को इस तरह पेपर पर चलाएंगे और इनसे एक आर्ट बनाएंगे। वाह बढ़िया लग रहा है, कलर साथ में ब्लेंड हो रहे हैं। इसे ड्रॉ करना कितना आसान है। जी हाँ, अब ये पूरा नहीं हुआ। प्लास्टिक वॉलेट पर ब्लैक पेन से रेनबो बनाएंगे। रेनबो नहीं है, लो आ गया। कूल है ना, अब दिख रहा है और गायब। ओह वापस आ गया, ये कैसा जादू है। वाह कमाल है, मेरा काम पूरा हुआ। एक सेकंड रुको, तुमने मल्टी कलर टी शर्ट पहनी हुई है, मुझे लगा तुम्हें सिर्फ ब्लैक पसंद है। क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी मत कहना नहीं तो मेरा मुंह बंद है। बहुत भूख लग रही है, मुझे स्नैक चाहिए। टीचर बिजी है, यही मौका है इमरजेंसी के लिए, हमेशा मेरे पास यहाँ स्नैक रहता है। आह ये रहा, जल्दी करना होगा, अगर उन्होंने ये देख लिया तो वो बहुत गुस्सा होंगी। क्या वो कैंडी थी? हे इसे इग्नोर करो, आपने कुछ नहीं देखा। क्या, हिम्मत भी मत करना, आप मुझे नहीं रोक सकती। बहुत बुरा है एवा, मुझे अभी बहुत शर्म आ रही है, पर कोई पछतावा नहीं, मैं सोचूंगी कि ऐसा हुआ ही नहीं। पर मेरा मन अभी तक नहीं भरा, शुक्र है मैंने ये चिप्स रखे हुए थे। ये काम आएगा, मैंने छिपा देती हूँ। ये पेंसिल होल्डर काम आएगा, बस आराम से बैठो, बिल्कुल मामूली तरीके से। क्या स्वाद है, मुझे इसी की जरूरत थी। अपना मुंह खोलो। ओ, तुम कितने अच्छे हो। एक सेकंड, अजीब है, मेरे पास एक और हाथ नहीं है। हेलो एवा, यहाँ चिप्स अलाउड नहीं है, तुमने सुना? ओ हाँ, पर आपने डोनट्स को तो ना नहीं कहा, वहाँ क्या हो रहा है? ओ, कुछ और करो, मैं तुम्हें देख रही हूँ। जो भी हो मैं बहुत तेज हूँ। पकड़ लिया। क्या खुजली हो रही है, कुछ ठीक नहीं है, वो बहुत तेज है, तो मुझे भी कुछ करना होगा। मैं जानती थी ये मैनिकिन काम आएगी, अब मुझे इसका मेकओवर करना होगा। जी हाँ वही देखती रहो, मैं यही तो ढूंढ रही थी। मैं इसके हकदार हूँ, इससे स्वादिष्ट डोनट मैंने कभी नहीं देखा। पिंक फ्रॉस्टिंग और स्प्रिंकल्स, ये तो आर्ट है। ये डोनट मत खाओ, मैंने कहा मत खाओ, कहा था ना? नहीं रुको, आप गंजी हो गई, ये मुझे दो। ओह ये बहुत गलत है, ये खा मत लेना, अभी के अभी छोड़ो एवा। इतनी मेहनत पढ़ाई में कर लिया करो, अब और नहीं समझी, अब मुझे मार्किंग करने दो। हाँ ठीक है, एक सेकंड रुको, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। पहले दो सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, अब इन्हें साथ में जोड़ देंगे, ऊपर की तरफ भी कुछ ऐसा ही करेंगे और अब एक वेव पैटर्न बनाएंगे इस पूरे पर। अब ऊपर के हिस्से पर पेंसिल से बनाने के बाद इसे पेन से बनाएंगे, इससे ही उभर कर आएगा। बस रफ ड्राइंग को फॉलो करते रहेंगे, मैं अब इसे खराब नहीं करना चाहती, ये बिल्कुल डोनट जैसा लग रहा है। पेंसिल से बने हुए को हम इरेजर से हटा देंगे, अब इसे कलर करेंगे, बस वेवी लाइन के अंदर वाले हिस्से को ही फिल करेंगे, ये होगी इसकी फ्रॉस्टिंग। मेरे मुंह में पानी आ गया है, और अब डोनट को कलर कर सकते हैं। मैं इसके लिए डार्क ऑरेंज कलर इस्तेमाल कर रही हूँ, स्प्रिंकल्स के लिए करेक्शन पेन इस्तेमाल करेंगे, फ्रॉस्टिंग के ऊपर डैप करेंगे और थोड़ी शैडो बनाएंगे, बिल्कुल कोनों पर ही बनानी है। ऐसा ही स्प्रिंकल्स के साथ भी करेंगे, जिससे ये और असली दिखेगा। लगता है हो गया, अब अगले स्टेज की बारी, चलो इसे बदल देते हैं। अब तुम मेरे हो डोनट, मैं इस ड्रॉइंग को बॉक्स में डाल देती हूँ। हाँ कौन है, मैंने पक्का कुछ सुना है। क्या कुछ हुआ है, मैं तो बुक पढ़ रही हूँ। ठीक है, पर मेरी नजरें तुम ही पर हैं। कैसे पता था बुक्स इतनी काम की हो सकती हैं? ये मेरा डोनट छिपाने के लिए बढ़िया है। जल्दी करो, अगली क्लास में चलो। आखिरकार वो चले गए, मैं इसी का इंतजार कर रही थी।
हाँ, ये क्या हो रहा है? ये डोनट नहीं है, मेरे साथ खेल खेला गया। सेल्फी। बहुत क्यूट है। मैं क्लास के लिए लेट तो नहीं हो गया? क्यूट तो वो है, देखो केविन आया है। हे भगवान, मैं कैसी लग रही हूँ? हे केविन, यहाँ देखो। तो तुम यहाँ हो, तुम्हें ही ढूंढ रहा था। वाह, वो कितना प्यारा है, हम साथ में बहुत अच्छे लगेंगे। हमारे बच्चों के नाम क्या होंगे? क्या फर्क पड़ता है, वो भी बहुत प्यारे होंगे। रुको, ये क्या हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम तो यही कहोगी, मुझे चलना होगा। तो मैं अकेला हो गया। हे वाह, जरा ये देखो, कितना फनी है। मुझे नहीं लगता। बहुत रूड है। एवा, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हारे लिए पॉपसिकल लाई। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ये चॉकलेट है, तुम्हारी फेवरेट। नहीं, जाओ यहाँ से, ये पिघल जाएगी। हाँ, दोबारा ट्राई करते हैं। हम केविन। ओह, वो चली गई। रुको, शायद मैं ये इस्तेमाल कर सकती हूँ। पहले पेपर में से एक सर्कल काटेंगे, अब इस पर एक चेहरा बनाएंगे। ये हंसने वाला इमोजी होगा, ये क्लासिक है। अब येलो और पिंक सर्कल लेते हैं, इसे इमोजी के ऊपर रखेंगे। ऊपर वाले पर लव हार्ट इमोजी बनाएंगे। ये बहुत क्यूट है, जरा इसे देखो। अब दो और सर्कल्स बनाएंगे और एक और इमोजी बनाएंगे, ये वाला सैड फेस होगा। और खुश हो भी जाओ। इसके ऊपर एक पिंक सर्कल रखेंगे, उल्टा करेंगे और इस पर पॉपसिकल स्टिक चिपका देंगे। मैं बस खुश होना चाहती हूँ। एवा, तुम्हें ये देखना चाहिए। अब ये क्या है? तुम ऐसी लग रही हो, हमें इसे बदलना होगा। वेरी फनी, मैं ऐसा महसूस करती हूँ। आई लव यू, तुम मेरी बेस्टी हो। अब मुझे शर्म आ रही है। हाँ, मैं जानती हूँ, पर ये फनी है ना? हाँ है तो। माफ कर दो एवा, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। जरा रुको, तुमने वो देखा? अरे यार, तुम बहुत फनी हो केविन। नहीं, वो मेरे टाइप का नहीं है, ये तुमने बनाया। मैं बोर हो रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? समझ गई, थोड़ा आर्ट हो जाए। पहले ऑरेंज पेंट से शुरू करेंगे। आर्ट मजेदार है, जब आप क्रिएटिव हो तो बोर होना मुश्किल है, कुछ पीते रहना चाहिए। ओह नहीं, मैं क्या सोच रही थी, मेरी उंगलियों पर पेंट लग गया। अरे नहीं, गड़बड़ हो गई। अब मैं क्या करूं? पेंट पूरे ग्लास पर लग गया। रुको, मैं तो जीनियस हूँ। जी हाँ, एक साफ ग्लास से शुरू करते हैं और उंगली से पेंट लगाते हैं, इतना काफी होगा। अब मैं ऊपर की तरफ टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाऊंगी। बढ़िया, और थोड़ी और। अब इन कलर डैब्स के नीचे थोड़ा सा मार्कर लगाएंगे। ये हो गया। ई, कितना प्यारा है, ऐसा लग रहा है मेरे ग्लास के आसपास लाइट्स लग गई। ये पहले से बहुत सुंदर दिख रहा है, मैंने ये बना कैसे लिया? चलो थोड़ा और जूस पिए, मैं इसी की बात कर रही थी। Hey! तुम्हें मेरी नई जैकेट कैसी लगी? मैंने ये सेल से ली है, ये 50% ऑफ पर थी। ये अच्छी है ना? हाँ, बढ़िया है, समझ गई। पर मेरी नई जैकेट तो देखो। तुम्हें मेरा नया फोन केस कैसा लगा? स्पार्कल्स पुरानी हो चुकी है, मेरे पास पॉपेट्स है। जो भी है, मेरे पास ये नोटबुक भी है और ये स्टिकर से सजी हुई है, हार्ट्स और स्टार्स और एक आइसक्रीम ट्रीट भी। क्या? मेरी नोटबुक इतनी बोरिंग और प्लेन है, ये बिल्कुल नहीं चलने वाली। मैं कुछ तो कर सकती हूँ। ये रही मार्कर्स। रुको, मेरे पास एक प्लान है। ये रहे मार्कर्स और एक नाइफ। पहले हम इसकी टिप काट देंगे, अब थोड़े से कट्स लगाएंगे ताकि ये हार्ट जैसा दिखे। हाँ, देखो कितना प्यारा लग रहा है। अब हम नोटबुक लेंगे और इस स्टैम्प की मदद से, मैं सिर्फ हार्ट्स तक ही नहीं रहना चाहती। ये देखो, अब यहाँ पर हार्ट और स्टार्स भी है। देखा, मेरी नोटबुक पर भी ये है और मुझे स्टिकर्स की जरूरत नहीं पड़ी। वो, तुमने ये कैसे बना दिया? उस स्क्वाडल को बोलो मेरी आइसक्रीम वापस लेकर जाए, इस रोड से नहीं जाऊंगी। हाँ, चलो पेंटिंग शुरू करें। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं आर्ट में सबसे अच्छा हूँ। पेंटिंग मजेदार है। ओह नहीं, उसके कंप्यूटर पर पेंट लग गया।
समझ गया, मैं इसे साफ कर देता हूँ। रुको, ये तो फैल रहा है। ओ नहीं, ये तो और भी गड़बड़ हो गई। ये पूरा पिंक हो गया, वो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा होगी। हम्म, फूट गई। तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? तुम अजीब बर्ताव कर रहे हो, मुझे शक हो रहा है। एक सेकंड रुको। ओह, मेरा लैपटॉप, इसे क्या हो गया? तुमने इस पर पिंक कलर कर दिया? हम्म, वहाँ क्या है? एक स्ट्रॉ। रुको, मैं इसका हल निकाल सकती हूँ। हाँ, ये रहा मेरा खराब हुआ हुआ लैपटॉप। मुझे और पेंट चाहिए। जी हाँ, और ज्यादा पेंट लगाना ही इसका हल है। व्हाइट और येलो भी, और थोड़ा पर्पल। कितना सुंदर है। अब हम इसमें थोड़ा ब्राउनिश येलो डालेंगे। हाँ, अब स्ट्रॉ की बारी है। इस पेंट पर फूंक मारना शुरू करेंगे। लैपटॉप के ऊपर इसे फैलाने के लिए हवा का इस्तेमाल करेंगे। बस करते जाए। अलग अलग कलर्स कितने अच्छे लग रहे हैं। और इन पैटर्न्स और टेक्सचर से कितना कूल लग रहा है। वाह, ये तो एक जबरदस्त आर्टवर्क बन चुका है। कितना खूबसूरत है। मुझे समुद्र की लहरें याद आ रही हैं। ये इतना प्यारा बन कैसे गया? वाह, इस कंप्यूटर को देखो, कितना कूल है। आम सामान तो बढ़िया क्या बनाता है? जाहिर है, थोड़े बहुत कलर्स और सही कलर चुनने पर आप एक अच्छा मास्टरपीस बना सकते हैं। क्या पता आप एक और मोनालिसा बना दे, और नहीं तो क्या पता एक बहुत अच्छा लैपटॉप केस बना दे। एक आर्टिस्ट बनने के लिए तैयार है। हे, ये क्या है? ये यहाँ आया भी कैसे? देखो, ये एक बहुत खूबसूरत डियर है। तरह उसको देखो जेनिफर, वो जरूर कुछ है। हाँ, वो खड़ा है। चलो काम पर लगे। हाँ, बस सही लाइन से शुरुआत करनी है। एंगल थोड़े अजीब है। किसी काम का नहीं, मुझे कुछ और सही चाहिए। बिंगो, अब मैं अच्छे से नाप ले सकती हूँ। मैं भी वापस आई। तुम कहाँ जा रही हो? जो भी है, थोड़े नजदीक जाने का समय है। आहा, अच्छा लग रहा है, दिलचस्प है। अब मुझे पता है क्या करना है। चलो ड्राइंग करना शुरू करें। हमेशा ब्लैक पेन से शुरुआत करें। ये खत्म हो रखा है। ये बहुत बेकार है। जेनिफर, तुमने मेरा पूरा पीस खराब कर दिया। अभी मुझे इसकी इतनी परवाह नहीं है। यार, तरह देखो ये गड़बड़। हाँ, मुझे लगता है मुझे दोबारा स्टार्ट करना होगा। नहीं तो मैं इस टेक्निक को अपने एडवांटेज की तरह इस्तेमाल कर सकती हूँ। आपको लगता है ये बहुत डार्क है? ज्यादा देर के लिए नहीं, पिक्चर के ऊपर पेंट डाले। अब इस लेयर को हटाएं। अब स्पेस का ऊपरी हिस्सा बनाएं। एक से भले दो कलर्स होते हैं। बढ़िया है ना? चलो अब जरूर हिस्से की बारी। ब्रश का इस्तेमाल करके पेंट को बाहर की ओर निकालें। ये बहुत अच्छा इफेक्ट दे रहा है। देखो, लगभग हो गया। ट्रीज के ऊपर भी ब्रश को फहराएं। यहाँ तक कि टूथब्रश भी कमाल कर सकता है। बस थोड़ी सी स्किलफुल फ्लिक्स लगेंगी। बढ़िया। अब यहाँ से पहली लेयर निकालें और आपको एक रात के समय का जंगल का सीन नजर आएगा। क्या ये मैजिकल नहीं है? मेरा देखो, तुमने ये सब कैसे किया? खैर, इस राउंड का विनर साफ नजर आ रहा है। बहुत खूब वेंडी। मुझे अपने ब्रश को इस्तेमाल करने पर काफी काम करना है। हार्डर स्ट्रोक्स, चलो भी वैसे। ठीक है, शाम कितनी खूबसूरत है ना? ये देखो, असली आर्टिस्ट। हाय, क्या ये अब तक का सबसे अच्छा कपल नहीं है? क्या तुम्हें ऐसे लोग पसंद हैं? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ हनी। मैं बहुत इंस्पायर्ड फील कर रही हूँ। मैं इस प्यार को पेज पर ड्रॉ करना चाहती हूँ। आहा, यहाँ। क्या ये बहुत बोरिंग नहीं है? मैं अपने दिल की सुनूंगी। एक बारी में पेंट का भरमार। इस तरह कलर मिक्स हो जाएगा और तुम मजेदार लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। ये आ गया कलर,
ये लगभग डॉट सारे खत्म हो गए हैं। अब एल्यूमिनियम फॉइल को क्रम्बल करें और इसे गीले पेंट को ब्लॉट करने में इस्तेमाल करें। इससे बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा। देखो मेरा क्या मतलब था। अब ब्रश लें और इसे थोड़ा पॉलिश करें। बगैर ट्री के बाहर का सीन कैसा सीन हुआ? बस ट्राई करना, ज्यादा दबाव मत देना और ब्लॉटिंग करें। देखो क्या ये अच्छा नहीं लग रहा। पर अभी हमें और करना है। ये कलर मिक्सिंग ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर इसे अभी और रिफाइनमेंट की जरूरत है। देखो यहाँ लवर्स है, ये मेन फोकस नहीं है। बढ़िया, अब थोड़ी बारिश की जरूरत है क्योंकि ये बहुत रोमांटिक होता है। टारा, कितना रोमांटिक काफी है, मेरा जरूर है। तुम्हारा कैसा है? बेहतर हो सकता था। तुम्हें पसंद आया? वाह, ये तो म्यूजियम में रखने लायक है। सच में? देखो इस बार मैं जीती। बहुत बढ़िया जेन, इधर आओ प्लीज। मेरे ख्याल से तुम ये रख सकती हो। ये हम हैं, स्वीटी पाई, जाओ। वाह, हम कितने प्रोफेशनल लग रहे हैं। ये किस लिए है? ये देखो, हमें बस व्हील को घुमाना है। पहला रेड आया है, हमें अपनी आंखें बंद करनी होगी। ये तो नामुमकिन है। चलो ट्राई कर देखते हैं। 1, 2, 3, गो गो। अब ये डालते हैं, शायद ये सही बन रहा है। मैं लाइंस के अंदर तो कर रही हूँ ना, ये वाला ठीक होना चाहिए। मैं चेहरा बनाने से शुरू करूंगी और मैं उसके आसपास बना सकती हूँ। बस मैंने ब्लू ही उठाया हो। वो काफी कोशिश कर रही है, उसे दिखेगा नहीं तो क्या फर्क पड़ता है। ये मैं आंखें बंद कर भी कर सकती हूँ। अब ये काफी बेहतर लग रहा है, शायद ये अच्छा बन रहा है। एनी वाला कैसा है? वो आंखें खोल कर रही है। तुम रूल्स तोड़ रही हो। रुको, तुम भी। ये तो फेयर रहेगा। ठीक है, तो ये सही तरीके से करते हैं। चलो, पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसे देख तो नहीं पा रही, पर ये अच्छा ही लग रहा होगा। तैयार है? वाह, इसे पलटा देना चाहिए। कूल, देखो। वाह, जो भी है, ये तो उसकी तरह लग रहा है। तुम्हें पता तो है। क्या हमें ये करना ही होगा? ये कैसा होगा? खुशबू तो बहुत अच्छी है और टेस्ट इतना अच्छा नहीं है। तुम ठीक तो हो? बकवास है। तुम्हारा कैसा है? देख ही लेते हैं। ये इतना भी बुरा नहीं है, तुम्हें चाहिए? खैर ठीक है, शुक्रिया। देखते हैं, ये स्वादिष्ट है। हमें इसे पहले जज नहीं करना चाहिए था। अब क्या है? ओह, ये कितना प्यारा है। कि आर्ट सप्लाइज तो देखो, कितने कूल है। देखो मेरे पास भी यही है। रुको, हमें घुमाना होगा। और ये ब्लू है, जिसका मतलब हाथ इस्तेमाल नहीं करने। ये क्या मतलब हुआ? हमें करना ही होगा। पेंट ब्रशेस तैयार है, हाथ इस्तेमाल नहीं करने। मेरे पास एक आइडिया है, मैं सारे रंग इस्तेमाल करूंगी। आखिरकार ये एक यूनिकॉर्न है, जादू शुरू करते हैं। पहले ये थोड़ा वॉन्की लगेगा, मुझे बस अपने ऊपर भरोसा रखना है। मेरा मुंह थक रहा है, हाथों के बिना कोई परेशानी नहीं।
ओह, मैं इसे ऐसा नहीं चाहती थी। ये कलर तो एकदम मिट्टी जैसा लग रहा है। तुम्हारा कैसा है? मैं थोड़ी अलग तरीके से बना रही हूँ। इसे काबू में करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, करते रहेंगे। ऐसे वर्कआउट के साथ जिम की किसे जरूरत? काफी स्मूथ बन रहा है। इन लाइंस को देखो, मैंने कर दिखाया। और क्या बना? एकदम जबरदस्त। देखो कितना प्यारा है, रेनबो रिफिक। मेरा यूनिकॉर्न इसके सामने कुछ भी नहीं। मैं ये राउंड जीत चुकी हूँ। हे एनी, देखो। वाह, ये कितना प्यारा है। अरे इसके छोटे छोटे क्लॉज। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा? मुझे समझ नहीं आया। मुझे भी करना होगा। अब क्या? हाँ, इसमें टाइम भी देखा जाएगा, तो हमें ये शुरू करना चाहिए। क्रैब्स तो रेड ही होते हैं, है ना? मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। ये बहुत बढ़िया रहेगा। मैंने उससे पहले कभी क्रैब नहीं बनाया। मेरा समय जाता जा रहा है। एनी इतना कैसे बना रही है? मैंने तो अभी तक पेंट शुरू भी नहीं किया। एक मिनट रुको, मुझे पता है क्या करना है। मैं ये बहुत आराम से कर लूंगी। हा, पकड़ लिया। क्या तुम पागल हो? गलती से हुआ, मैंने बहुत अच्छा किया। अरे नहीं, मैं तो ये और खराब कर रही हूँ। ओ, बहुत बुरा हुआ। पर मुझे क्या, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। वैसे मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ, इसमें तो मेरा फायदा है। मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, जवाब तो सामने ही है। उंगलियाँ अच्छे ब्रशेस बन सकते हैं। ओह नहीं, समय खत्म हो गया। मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो दिखाने के लिए तैयार हो? रुको, तुम्हारा इतना अच्छा कैसे है? और तुमने इतने जल्दी कैसे बनाया? ये बस उंगलियों से बना है, देखा? हे, मुझे माफ कर देना, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे शर्म आनी चाहिए। बहुत अच्छे क्रिस। और मेरा कैसा है? पता है ड्राइंग कौन सी है? ये वाली नहीं, ये दोनों हटा देते हैं। और ग्रीन वाली भी, और पर्पल वाली भी नहीं है। बुद्धू बनाया, ये तो आपकी आंखों के सामने ही थी। वाओ, तुम बहुत तेज हो लूना। इससे मुझे एक आइडिया आया। मिस, ये देखो। अरे दोबारा नहीं। हम कहाँ हैं? हमें ड्राइंग चैलेंज करना चाहिए। सच में ये क्लासरूम नहीं है? मुझे लगा मजा आएगा। चलो व्हील को घुमाएं। मैं इसे घुमाऊंगी, मैं गेस्ट हूँ। ये मेरा आइडिया है। छोड़ दो, नहीं तो बस भी करो तुम इसे तोड़ दोगी। ओह, जरा इसे देखो, तो हम एक रोड बनाएंगे। ये क्या है? लेडीज, दो खूबसूरत फूलों के लिए मेरे पास एक सुंदर फूल है। अजीब है, मुझे तुम खूबसूरत लगती हो। मुझे भी तुम पसंद हो। चलो चैलेंज शुरू करें। आखिरकार, हे भगवान, क्या कर रहे हो? मेरा इस पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। मैं बहुत बड़ा आर्ट बना रही हूँ। मैं तो ये हमेशा करता हूँ। कितनी प्यारी मूछे हैं। सच में? हे, यूहू, याद है ना, ये कॉन्टेस्ट है। ओ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। ये रोज तो नहीं लगता, लेकिन मैं जानती हूँ क्या करना है। इसके बीच में ट्रायंगल्स बनाएंगे, ये पेटल्स की तरह दिखेंगे। अब बाकी का रोज बनाएंगे, ये अच्छा लग रहा है। अब लीव्स बनाएंगे और स्टेम भी। हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। बढ़िया, ये रहा मेरा, ये भी अच्छा है। तुम्हें कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, खूबसूरत।
तुम जीत गई। हाँ मैं जानती थी प्राइस क्या है तुम। मैं इसे संभाल कर रखूंगी, खुशबू बहुत अच्छी है। मैं जानती थी वो यही चुनेगा। तुम जल रही हो। अगला क्या है? इतनी जल्दी नहीं, मैं भी घुमाऊंगी। ये कहाँ रुकेगा? ओ, एक बर्ड, कितना प्यारा है। चलो शुरू करते हैं। हाँ हाँ मैं पेंट इतना अच्छा नहीं करती, पर मैं ट्राई करूंगी। तुम्हें नेचर इमेजिन करना होगा, ये एक सीक्रेट है। रेड सही रहेगा। ओ नहीं, ये तो खराब हो गया और खराब होता जा रहा है। मेरा हाथ देखो, एक ही चीज हो सकती है, सैबोटाज। नहीं, ये तुमने क्या कर दिया? अगर तुम पेपर ना हटाती तो क्या हो जाता? ये देखो, और ये मेरी गलती है। नहीं जरा रुको, तुम्हारी इस हरकत से मुझे एक आइडिया आया, ये जरूर काम करेगा। ब्लैक पेंट यहाँ लगाएंगे और एक बीक बनाएंगे और इसके लेग्स। अब ये बर्ड लग रहा है। लो, ये प्यारा सा बर्ड है तुम्हारी मदद से। ये तो चीटिंग है, पर मुझे पसंद आया। मेरा इतना भी अच्छा नहीं है, जरा इधर दिखाओ। तुम इतना कहती हो तो ये रहा विजेता। हाँ। ओह हेलो लिटिल गाय, ऐसा लग रहा है मैं कोई कार्टून प्रिंसेस हूँ। वाह, ओह मैं इन्हें छू लूं? हटो, खुद के बर्ड्स लेकर आओ। तुम अपने आप को क्या समझती हो?